बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियलिटी नेटवर्क में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची में क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट। आपको बताते चलें कि ये वो जगह है जो कि साहिल समंदर के बिल्कुल ही पास है। और साहिल समंदर की बात की जाए तो साहिल समंदर दुनिया में जहाँ भी हैं वहाँ पर ज़मीन जो होती है वो बिल्कुल ही नाकारा होती है, पौधों के लिए बिल्कुल ही मौजू नहीं होती। मगर बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ की इंतज़ामिया को और सिंध हुकूमत को कि जिन्होंने ऑनरशिप ली और इन्होंने एक मुश्किल काम को करके दिखाया। माशाल्लाह से यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं इस वीडियो में कि बहुत से दरख्त लगाए जा चुके हैं, और ना सिर्फ दरख्त लगाए जा चुके हैं बल्कि ये जो दरख्त मौजूद हैं इन्होंने अपनी जड़ें पकड़ना शुरू कर दी हैं। और जब कोई पौधा अपनी जड़ें पकड़ना शुरू कर देता है तो उसके बाद उसको स्टार्ट में पानी की ज़रूरत होती है, जब फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वो ख़ुद से जो है ना दरख्त में तब्दील हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहिए। आपको पूरे इस जंगल का आपको जो है ना विज़िट करवाते हैं और आपको साथ साथ बताएँगे। एक तालाब है यहाँ पर जिसको मीठे पानी में कन्वर्ट किया गया है, तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई। अगर हम इस जगह को एक्सप्लोर करें और मसूद साहब का ज़िक्र नहीं करें तो मेरे ख़्याल से ये ठीक नहीं होगा। मसूद साहब बेसिकली एक रिटायर एम्प्लॉयज़ हैं। जब वो अपनी जॉब से रिटायर हुए तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस जगह को जंगल में कन्वर्ट करना है और कराची के शहरियों के लिए एक साफ़ सुथरी जगह प्रोवाइड करनी है जहाँ पर शहरी आएँ और आके लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो मसूद साहब ने ख़ुद से स्टार्ट किया था इस काम को, मगर जब उन्होंने स्टार्ट किया उसके बाद से सिंध गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प आउट की, और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट अब पूरी सपोर्ट कर रही है इनको, और इंशाल्लाह अब ये आने वाले दिनों में जंगल तैयार होगा और अब इस काम में और भी तेज़ी देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर हम पौधों की बात करें तो यहाँ पे बहुत से किस्म के पौधे लगाए जा चुके हैं। सायादार पौधों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुरिंगा के दरख्त लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा गुलमोरी एक पौधा है जिसकी छांव बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा सुख चैन है, नीम के दरख्त हैं, बकाइन है, तो बहुत सी किस्मों के पौधे लगाए जा चुके हैं। इसके साथ साथ ना सिर्फ सायादार पौधे बल्कि यहाँ पे फलदार पौधे भी लगाए गए हैं, जिसमें अमरूद और अनार यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। और अनार की आपको दिखाएंगे कि उन पे तो अभी बकायदा तौर पे अनार लगना भी स्टार्ट हो गए हैं। जी नाज़रीन, तो आपको बताते चलें कि साहिल समंदर पे क्योंकि यहाँ का पानी तो सही नहीं होता पौधों के लिए, तो इसलिए पानी का बकायदा अरेंजमेंट किया गया। यहाँ पे हर दूसरे दिन टैंकर लाए जाते हैं और टैंकर के थ्रू इन पौधों को पानी दिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये पानी बिल्कुल ही मीठा है, और मैं भी अपने हिस्से का जो है ना थोड़ा सा काम करना चाह रहा हूँ। बहुत खुशी होती है ऐसे काम देख के, और उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले 2 से 3 सालों में ये जो जगह है ये जंगल में ही कन्वर्ट होगी। जी, तो आपको ये बताते चलें पानी का यहाँ पे इशू होता है क्योंकि पौधों को पानी जो है ना मीठा पानी चाहिए होता, तो इसलिए आपको स्टार्ट में भी दिखाया था कि वहाँ पे एक तालाब मौजूद है जिसमें मीठा पानी रिस्टोर किया गया है। इसके अलावा बाउज़र आते हैं डेली बेसिस पे, और अभी ये दूसरा जो है ना पॉन्ड बनाया जा रहा है, खुदाई का काम शुरू है अभी फिर दोबारा खुदाई अभी आगे इसको मज़ीद बड़ा करेंगे और इसको गहरा भी किया जाएगा, तो इसके बाद इसमें पानी स्टोर किया जाएगा क्योंकि
इस पोर्शन से इस साइड भी बहुत ज़्यादा पौधे हैं, तो जब ये सर्विस में आ जाएगा तो फिर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ को, इस वाले हिस्से को यहाँ से पानी प्रोवाइड किया जाएगा पौधों को, और वो वाला जो हिस्सा है उसके लिए ऑलरेडी एक बड़ा तालाब मौजूद है। जी नाज़रीन, तो आपको बताते चलें कि ये वो वाला पॉन्ड है, या आप कह लें वो वाला तालाब है जिसमें मीठा पानी है। आपको अगर बताएं, ये सामने ये जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं इनको सिंधी ज़बान में डीर बोलते हैं। इसका पर्पज़ ये है कि ये जो है सॉल्ट्स हैं उनको अब्ज़ॉर्ब करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें ये जो बड़े पत्तों वाले हैं तो इनको लोटस बोला जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा खूबसूरती से बढ़ के इसको बनाने का पर्पज़ ये है कि इसमें यहाँ पे मछलियाँ मौजूद हैं और वो मछलियों की आगे फर्दर अफजाइश हो रही है। तो ओवरऑल जो है ना, अगर हम देखें इस पार्क को, इस पॉन्ड को, तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि कराची के शहरियों के लिए एक तोहफे से कम नहीं है। जी नाज़रीन, तो अभी क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के जो फाउंडर हैं मसूद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कहां से इनको ये आइडिया आया और कैसे इन्होंने इस काम को स्टार्ट किया, और माशाल्लाह से देखते ही देखते ये एक जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी जी मसूद साहब, हमें ये बताइएगा कि आपने मतलब कैसे ये आइडिया आया। जाहिर बात है, लोग होते हैं जॉब के बाद, रिज़ाइन करने के बाद या जॉब ख़त्म होती है तो लोग कहते हैं हम अपनी लाइफ जो है ना आराम से गुजारे, तो आपने कैसे इतना मुश्किल काम जो था, कैसे आपने मतलब इस चीज टारगेट को अचीव तो, करने की। कोरोना जब आया था ना, जो पहला लॉकडाउन हुआ था, तो उस वक्त एक खौफ का आलम था, लगता था कि शायद पता नहीं बहुत सारे लोग मरेंगे, और ये भी डर लगा था कि पता नहीं हम भी मरेंगे या बचेंगे। तो उस वक्त ये टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आई कि मुझे ये हुआ कि कोई ऐसा काम किया जाए जो मुल्क के लिए भी बेहतर हो और अपनी आखिरत के लिए भी अच्छा हो। तो ये कराची में, चूंकि पाकिस्तान में फॉरेस्ट्री की सिचुएशन बहुत ख़राब है, 2% भी हमारा फॉरेस्ट कवर नहीं है, तो और शहरों का और बुरा हाल है, कराची ख़ास तौर पर बहुत बुरा हाल है, आपने देखा है। तो ये वहाँ से ये बात शुरू हुई, फिर हमने ये काम शुरू किया और जितने अपने अपने पैसे वैसे लगाए, फिर सिंध गवर्नमेंट के मुर्तज़ा वहाब साहब ने इसको ऑन किया, उन्होंने हमें सपोर्ट दिलवाई, तो अब इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। अब ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव यही है कि बस फॉरेस्ट और ग्रीनरी जो है इसके लिए काम करते रहेंगे। ठीक है, आपको बताते चलें कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था अपने बलबोते पे, इन्हें ये नहीं किसी से कहा कि मुझे सपोर्ट चाहिए, इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और काम स्टार्ट कर दिया। तो फिर देखा देखी में अब जैसा वो बता रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं, उन्होंने ऑनरशिप ली है। तो सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली कराची के लोगों को, क्या मैसेज है? देखें, एक माइंड कंट्रोल की एक कैफियत है कि लोग जितने पाकिस्तान में और बाहर की दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी, कि रियल इस्टेट को खुशी का समझते हैं, प्लॉट हों, बंगलोज़ हों, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर लैंड जो है ख़त्म करके, मुल्तान में देखेंगे आमों के बागात को ख़त्म करके वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। इतना कंक्रीट हम करते जाएंगे तो फिर रहेगा क्या, मतलब इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं करेंगे। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि हर बंदा ये अपना फ़र्ज समझे कि हर छोटे या बड़े शहर में फॉरेस्ट लगाने के लिए ज़ोर दे, ताकि हुकूमत, प्राइवेट जो पब्लिक पार्टनरशिप्स में किसी भी फॉर्म में बहुत सारे फॉरेस्ट लगने चाहिए। इससे फॉरेस्ट कवर भी बढ़ेगा, हमारा माहौल भी बेहतर होगा, और प्लस इनसे जुड़े बाकी फ़ायदे भी कम्युनिटीज़ को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और हम दुआगो हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को जैसे लेके चल रहे हैं तो आने वाले 2 से 3 सालों में हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ये जंगल में कन्वर्ट होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी शहरी जो है ना इस तरफ रुख कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है हर इंसान को खुशी है कि कराची जैसे शहर में जंगल आबाद होने को जा रहा है। तो फिरोज़ अली गाबा साहब यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इस जंगल को पाया और क्या उनकी खुशी की क्या फीलिंग्स हैं। बस हमने यहाँ देखा, जो मसूद साहब आए तो ये हॉक्स बे के अंदर लगा रहे थे, अपना नेवी के अंदर या हॉक्स बे में लगा रहे थे, तो मैंने बताया भाई आप वहाँ पर एनओसी ले लें। फिर तो यहाँ मुर्तज़ा वहाब साहब ने इसको एनओसी दी,
और ये लगाया तो ये प्लास्टिक थे, तो मैंने उसको बताया भाई इस हालत के अंदर कैसा लगेगा ये, तो बस इसकी हिम्मत थी और बालू मिट्टी और उसके साथ इसने एक फुट का खड्डा किया और एक फुट के खड्डे के साथ ये लगाते हुए चले गए। फिर अल्लाह ताला ने बारिश दी, बारिश के बाद हम देखते देखते पूरा एक जंगल पूरा अल्लाह ने कंप्लीट किया है, तो ये पूरा पहाड़ी थी और ये जंगल लग गया है और अल्लाह ने इसको बरकत भी दी। और हम ये पूरी जो बिल्डिंगें थी बदबू होती थी, दरवाज़े नहीं खोलते थे और ये लग गया, हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी ये हो जाएगा। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और इसको और हिम्मत देवे और इस टाइप की बहुत चीज़ें बनावे। थैंक यू सर जी। तो आपने सुने यहाँ के शहरियों के तासरात बहुत पॉजिटिव हैं और क्योंकि ऐसी चीज़ कराची में बहुत कम मिलती है, तो उनका कहना ये, ज़रा कैमरा मैन आपको दिखाएं ये जगह, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हालत हुआ करती थी इस जगह की। आप देखें कितनी लेयर्स हैं आपके कचरे की और ये शॉप पर पड़े हैं प्लास्टिक के, और प्लास्टिक बैग्स के बारे में तो ये कहा जाता है कि 100 साल सदियाँ लग जाती हैं ये जो है डिज़ोल्व नहीं होते। तो जब ये डिज़ोल्व नहीं होंगे तो जाहिर बात है वहाँ पर पौधों का उगना नामुमकिन है। तो इन्होंने मसूद साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने इस जगह को यहाँ से कचरा उठवाया और आप वो देख सकते हैं वहाँ पे पहाड़ियाँ लगी हुई उनके ऊपर ढेर लगवाया और बाकी ज़मीन को स्पेशल वो मिट्टी मंगवाई गई और उसको लेवल करके फिर यहाँ पे प्लांटेशन एक्टिविटी स्टार्ट की और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जी नाज़रीन, तो हमने जैसा आपको वीडियो में बताया कि यहाँ पे सायेदार दरख्तों के साथ साथ दूसरे फलदार दरख्त भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको अमरूद दिखाया, इसके अलावा हमने आपको अनार भी दिखाया था। तो अब जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे बेसिकली ये अंगूर की बेलें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं साइड पर ये बेसिकली ये अंगूर की बेलों के लिए सेटअप बनाया गया है। ऊपर ये जो नेट है बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि ये अंगूर की बेलें जब फैलेंगी तो ये पूरे इस हिस्से को कवर कर लेंगी और फिर इंशाल्लाह साल के अंदर अंदर इस पे भी जो है ना आप देखेंगे कि काफ़ी तादाद में जो है ना अंगूर लगना स्टार्ट हो जाएंगे।